Inclusion and Dreaming Big have been the ethos that has driven all our work since our early days when we have begun our journey in eighteen ninety five. Today, with a large footprint of sixty eight offices in India, I'm particularly happy to share that we have begun in all earnest our work in districts and towns on a mission mode to carry forward your message to us when we called upon you and requested your presence for our hundred and twenty fifth year celebrations. The lockdown period was also an opportunity for us to connect at many districts to help in compliance and relief work. So we are here today to rededicate ourselves to nation building under your leadership and work on Atma Nirbhar Bharat. Excellencies, ladies and gentlemen, may I now invite our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, our chief guest for this special inaugural session of CII.

कांग्रेचुलेश इस 125 साल की यात्रा बहुत लंबी होती है अनेक पड़ाव आए होंगे अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे लेकिन सवा सौ साल तक एक संगठन को चलाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है उसमें समयानुकूल परिवर्तन आए हैं व्यवस्थाएं बदली है और पहले तो मैं इन 125 साल में सीआईआई को मजबूती देने में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है वैसे सभी पूर्व के आपके महानुभावों को भी इस समय बधाई दूंगा जो हमारे बीच नहीं होंगे उनको आदरपूर्वक नमन करूंगा और भविष्य में इससे जो संभालने वाले हैं उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं कोरोना के इस टाइम पीरियड में इस तरह के ऑनलाइन इवेंट्स शायद यही एक न्यू नॉर्मल बनते जा रहा है लेकिन ये भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेता है आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबिलाइज करना है अप करना है इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं बल्कि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक आप लोगों में से कुछ लोग सोच सकते हैं संकट की इस घड़ी में मैं इतने कॉन्फिडेंस से यह कैसे बोल सकता हूं मेरे इस कॉन्फिडेंस के कई कारण हैं मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है मुझे भारत के फार्मर्स एसएमईज एंट्रप्रनर्स पर भरोसा है और मुझे भरोसा है इंडस्ट्री के लीडर्स पर आप सभी पर इसलिए मैं कह रहा हूं यस वी विल गेट आवर ग्रोथ बैक इंडिया विल गेट इट्स ग्रोथ बैक साथियों कोरोना ने हमारी स्पीड जितनी भी धीमी की हो लेकिन आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज वन में एंटर कर चुका है अनलॉक फेज वन में इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है काफी हिस्सा अभी 8 जून के बाद और खुलने जा रहा है यानी गेटिंग ग्रोथ बैक की शुरुआत तो एक प्रकार से हो चुकी है आज ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जब दुनिया में कोरोना वायरस पैर फैला रहा था तो भारत ने सही समय पर सही तरीके से सही कदम उठाए दुनिया के तमाम देशों से तुलना करें तो आज हमें पता चलता है कि भारत में लॉकडाउन का कितना व्यापक प्रभाव रहा है इस लॉकडाउन में भारत ने कोरोना से लड़ाई के लिए फिजिकल रिसोर्सेज को तैयार तो किया ही हमने ह्यूमन रिसोर्स को भी बचाने का भरसक प्रयास किया है ऐसे में अब सवाल यह है कि इसके आगे क्या इंडस्ट्री लीडर्स के नाते आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि अब सरकार क्या करने जा रही है आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में भी मुझे पक्का विश्वास है कि आपके मन में भी मंथन चलता होगा कुछ सवाल भी होंगे और यह बहुत स्वाभाविक है ऑब्वियस है साथियों कोरोना के खिलाफ इकोनॉमी को फिर से मजबूत करना ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटीज में से एक प्रमुख प्रायोरिटी है इसके लिए सरकार जो डिसीजंस अभी तुरंत लेने जरूरी हैं। वो तो एक के बाद एक ले ही रही हैं, लेकिन साथ साथ मैं ऐसे भी फैसले लिए गए हैं जो लॉन्ग रन में देश की मदद करेंगे साथियों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है इस योजना के तहत करीब 74 करोड़ बेनिफिशरीज उनके घर तक राशन पहुंचाया जा चुका है प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है इसके अलावा अभी तक गरीब परिवारों को फिफ्टी थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीस, यानी तेपन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा चुकी है महिलाएं हो दिव्यांग हो बुजुर्ग हो श्रमिक हो हर किसी को इससे लाभ मिला है लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों को आठ करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर उनके घर तक मुफ्त में पहुंचा दिया है इतना ही नहीं प्राइवेट सेक्टर्स के करीब पचास लाख एम्प्लॉइज के खाते में 24 परसेंट ईपीएफ कंट्रीब्यूशन भी सरकार ने किया है इनके खाते में करीब 800 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं साथियों भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पांच बातें बहुत आवश्यक है इंटेंट इंक्लूजन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी इन फैसलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है इसी वजह से आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है साथियों हमारे लिए रिफॉर्म्स ये कोई रैंडम या स्केटर्ड डिसीजन नहीं रहे हैं हमारे लिए रिफॉर्म्स सिस्टमैटिक प्लान इंटीग्रेटेड इंटरकनेक्टेड और फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है हमारे लिए रिफॉर्म्स का मतलब है फैसले लेने का साहस करना और उन्हें लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना आईबीसी हो बैंक मर्जर हो जीएसटी हो फेसलेस इनकम टैक्स एसेसमेंट की व्यवस्था हो हमने हमेशा व्यवस्थाओं में सरकार के दखल को कम करने और मैंने तो लाल किले पर भी कहा था कि लोगों से जिंदगी से सरकार को जितना हम कम कर सकते हैं हम करना चाहते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए एनकरेजिंग इकोसिस्टम खड़ा करने पर हम लगातार बल देते रहे हैं कदम उठाते रहे हैं इसी वजह से सरकार आज ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स भी कर रही है जिनकी देश ने एक प्रकार से उम्मीद भी छोड़ दी थी लोगों ने मान लिया था भाई ये तो हमारे देश में नहीं हो सकता है ऐसी चीजें होने लगी हैं अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो हमारे यहां आजादी के बाद जो नियम कायदे बने उसमें किसानों को बिचौलियों के हाथों में छोड़ दिया गया था किसान कहां फसल बेच सकता है कहाँ नहीं बेच सकता है इस तक के नियम बहुत सख्त थे किसानों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय को दूर करने की इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है एपीएमसी एक्ट में बदलाव के बाद अब किसानों को भी उनके अधिकार हासिल होंगे किसान अब जिसे चाहे जहां चाहे और जब चाहे अपनी फसल अपनी शर्तों पर किसान की शर्तों पर वो फसल बेच सकते हैं अब कोई किसान अपनी फसल देश के किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकता है पहले तो इस पर भी बंधन थे साथ ही वेयरहाउसेस में रखे अनाज या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के जरिए भी बेचे जा सकते हैं आप कल्पना कर सकते हैं इससे एग्री बिजनेसेस के लिए कितने नए रास्ते खुलने जा रहे हैं साथियों इसी तरह हमारे श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लेबर रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं जिन नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को इजाजत ही नहीं थी उन्हें भी खोला गया है आपका ध्यान इस पर भी गया होगा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के रास्ते पर चलते हुए हम वो फैसले भी ले रहे हैं जिसकी मांग बरसों से हो रही थी साथियों दुनिया का तीसरा वो देश जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का भंडार हो कोल्ड रिजर्व हो जिसके पास आप जैसे साहसी और उद्यमी व्यापार जगत के लीडर्स हो लेकिन फिर भी उस देश में बाहर से कोयला आए कोल इंपोर्ट हो तो उसका कारण क्या है आप भी जानते हैं देश भी जानता है कभी सरकार रुकावट बन रही कभी नीतियां रुकावट बनी रही लेकिन अब कोल सेक्टर को इन बंधनों से मुक्त करने का काम शुरू कर दिया गया है अब कोल सेक्टर में कॉमर्शियल माइनिंग को परमिट कर दिया गया है पार्सली एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स को भी अलॉटमेंट करने की परमिशन दी गई है इसी तरह मिनरल माइनिंग में भी अब कंपनियां एक्सप्लोरेशन के साथ साथ माइनिंग का काम एक साथ कर सकती है इन फैसलों के कितने दुर्गामी परिणाम होने वाले हैं ये इस सेक्टर से परिचित लोग अच्छी तरह जानते हैं साथियों सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उससे हमारा माइनिंग सेक्टर हो एनर्जी सेक्टर हो या रिसर्च और टेक्नोलॉजी हो हर क्षेत्र में इंडस्ट्री को भी अवसर मिलेंगे और यूथ के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज खुलेगी इस सबसे भी आगे बढ़कर अब देश के स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी एक रियलिटी बन रही है आप चाहें स्पेस सेक्टर में निवेश करना चाहें एटमिक एनर्जी में नई अपॉर्चुनिटीज को तमाशना चाहें पॉसिबिलिटीज आपके लिए पूरी तरह से खुली हुई हैं हर अवसर आपका इंतजार कर रहा है साथियों आप ये भली भांति जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर की लाखों यूनिट्स हमारे देश के लिए इकोनॉमिक इंजन की तरह हैं। इनका देश की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और यह कंट्रीब्यूशन करीब करीब 30 परसेंट का है एमएसएमई की डेफिनेशन स्पष्ट करने की मांग लंबे समय से उद्योग जगत कर रहा था अब वो उद्योग जगत की पूरी मार्ग भी पूरी हो चुकी है इससे एमएसएमई बिना कि, किसी चिंता के ग्रो कर पाएंगे और उनको एमएसएमई का स्टेटस बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं रहेगी देश के एमएसएमई में काम करने वाले करोड़ों साथियों को लाभ हो इसके लिए 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर्स को खत्म कर दिया गया है इससे हमारे छोटे उद्योगों को ज्यादा अवसर मिलेगा एक तरह से आत्मनिर्भर भारत पैकेज एमएसएमई सेक्टर के इंजन के लिए फ्यूल का काम करने वाला है साथियों ये जो फैसले हैं उनकी रिलेवेंस समझने के लिए आज की ग्लोबल सिचुएशंस को देखना और उसे समझना भी बहुत आवश्यक है आज विश्व के तमाम देश पहले की तुलना में एक दूसरे का साथ और अधिक चाहते हैं देशों में एक दूसरे की जरूरत और ज्यादा पैदा हुई है लेकिन इसी के साथ ये चिंतन भी चल रहा है कि पुरानी सोच पुरानी रीति नीति पुरानी पॉलिसीज क्या आज कारगर होगी क्या स्वाभाविक है कि इस समय नए सिरे से मंथन चल रहा है और ऐसे समय में भारत से दुनिया की अपेक्षा एक्सपेक्टेशंस और बढ़ी है आज दुनिया का भारत पर विश्वास भी बढ़ा है और नई आशा का संचार भी हुआ है आप आपने भी देखा है कि कोरोना के संकट में जब किसी देश के लिए दूसरे की मदद करना मुश्किल हो रहा था हर कोई अपने को संभालने में लगा था ऐसी संकट की घड़ी में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को मेडिकल सप्लाईज बेचकर उनके लिए मानवीय मदद का काम किया है साथियों वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर ए ट्रस्टेड रिलायबल पार्टनर भारत में पोटेंशियल है स्ट्रेंथ है एबिलिटी है आज पूरे विश्व में भारत के प्रति जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है उसका आप सभी को भारत की इंडस्ट्री को पूरा फायदा उठाना चाहिए ये आप सभी की जिम्मेदारी है सीआईआई जैसे संगठनों की जिम्मेदारी है कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया के साथ ट्रस्ट क्वालिटी कॉम्पिटिटिवनेस तीनों जुड़ा हो आप दो कदम आगे बढ़ाएंगे सरकार चार कदम आगे बढ़कर आपका साथ देगी प्रधानमंत्री के तौर पर मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं भारतीय उद्योग जगत के लिए ए राइज टू द ऑकेजन की तरह है ट्रस्ट मी, गेटिंग ग्रोथ बैक इतना मुश्किल भी नहीं है और सबसे बड़ी बात कि अब आपके पास इंडियन इंडस्ट्रीज के पास एक क्लियर पाथ है आत्मनिर्भर भारत का रास्ता सेल्फ रिलायंट इंडिया का पाथ आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम और ज्यादा स्ट्रांग होकर दुनिया को एम्ब्रेस करेंगे आत्मनिर्भर भारत वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ पूरी तरह इंटीग्रेटेड भी होगा और सपोर्टिव भी लेकिन ध्यान रखिएगा आत्मनिर्भर का मतलब ये भी नहीं है कि हम स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों में किसी पर निर्भर रहे हम उस स्थिति में नहीं रहना चाहते इट इज अबाउट क्रिएटिंग स्ट्रांग एंटरप्राइज इन इंडिया एंटरप्राइज़ेस दैट कैन बिकम ग्लोबल फोर्सेस इट इज अबाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इट इज अबाउट एम्पावरिंग फॉर पीपल टू कम आउट एंड क्रिएट सोल्यूशंस दैट कैन डिफाइन द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री हमें ऐसी रोबस्ट लोकल सप्लाई चेन के निर्माण में इन्वेस्ट करना है जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को स्ट्रेंथन करे इसी अभियान में सीआईआई जैसी दिग्गज संस्था को मुझे लगता है आपको भी पोस्ट कोरोना नई भूमिका में आगे आना होगा अब आपको चैंपियंस ऑफ इंडिजिनस इंस्पिरेशंस बनकर आगे आना है आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की रिकवरी को फैसिलिटेट करना है नेक्स्ट लेवल ग्रोथ को आशीष करना है सपोर्ट करना है आपको इंडस्ट्री को अपने मार्केट को ग्लोबली एक्सपांड करने में मदद करना है साथियों अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो मेड फॉर द वर्ल्ड हो कैसे हम देश का आयात कम से कम करें इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय कि, किए जाए उस पर सोचने की जरूरत है हमें तमाम सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने टारगेट तय करने ही होंगे यही संदेश मैं आज इंडस्ट्री को देना चाहता हूं और देश यही अपेक्षा भी आपसे रखता है साथियों देश में मैन्यूफैक्चरिंग को मेक इन इंडिया को रोजगार का बड़ा माध्यम बनाने के लिए आप जैसे तमाम इंडस्ट्री के संगठनों से चर्चा करके ही कई प्रायोरिटी सेक्टर्स की पहचान की गई है इनमें से फर्नीचर एयर कंडीशनर लेदर एंड फुटवेयर इन तीन सेक्टर्स पर काम शुरू भी हो चुका है सिर्फ एयर कंडीशनर को लेकर ही हम अपनी डिमांड का 30 प्रतिशत से अधिक इंपोर्ट करते हैं इसको हमें तेजी से कम करना है इसी तरह दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा लेदर प्रोड्यूसर होने के बावजूद ग्लोबल एक्सपोर्ट में हमारा शेयर बहुत कम है साथियों कितने ही सेक्टर्स हैं जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं बीते सालों में आप सभी साथियों के सहयोग से ही देश में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें बनी हैं। देश आज मेट्रो के कोच निर्यात कर रहा है इसी तरह मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग हो डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हो अनेक क्षेत्रों में इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंस को कम करने का प्रयास लगातार चल रहा है और मैं बहुत गर्व से कहूंगा कि सिर्फ तीन महीने के भीतर ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई इसकी सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री आप ही लोगों ने खड़ी की है तीन महीने पहले भारत में एक भी पीपीई नहीं बनती थी आज भारत एक दिन में तीन लाख पीपीई किट बना रहा है तो ये हमारे उद्योग जगत का ही सामर्थ्य है आपको इसी सामर्थ्य का इस्तेमाल कर हर सेक्टर में आगे बढ़ना है मेरा तो सी के तमाम साथियों से ये भी आग्रह है कि रूरल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और किसानों के साथ पार्टनरशिप का रास्ता खुलने का पूरा लाभ आप लोगों ने उठाना चाहिए अब तो गांव के पास ही लोकल एग्रो प्रोडक्ट्स के क्लस्टर्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है इसमें सीआईआई के तमाम मेंबर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है साथियों फार्म हो फिशरीज हो फूड प्रोसेसिंग हो फुटवेयर हो फार्मा हो अनेक सेक्टर्स में अनगिनत अनगिनत अपॉर्चुनिटीज के गेट आपके लिए खुले हैं सरकार ने शहरों में प्रवासियों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए जिस रेंटल स्कीम की घोषणा की है उसमें भी आप सभी साथियों को मैं सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित करता हूं साथियों हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर को देश की विकास यात्रा का पार्टनर मानती है आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी आपकी हर आवश्यकता का ध्यान रखने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है आपसे सभी स्टेक होल्डर्स से मैं लगातार संवाद करता हूं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा आई रिक्वेस्ट यू टू कम अप विद अ डिटेल स्टडी ऑफ एवरी सेक्टर बिल्ड कॉन्सेंसेस

सरकार आपके साथ खड़ी है आप देश के लक्ष्यों के साथ खड़े हुई है आप सफल होंगे हम सफल होंगे तो देश नई ऊंचाई पर पहुंचेगा आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा एक बार फिर सीआईआई को 125 वर्ष पूरा होने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद So that was the Indian Prime Minister Narendra Modi addressing the Confederation of Indian Industry or CII, where he addressed the India Inc. and the industry leaders at large, putting the focus yet again on India's self reliance initiative, which he feels will be a fuel for the growth of small and medium businesses in India. The Prime Minister also said that he had full faith and confidence that India will, in fact, get its growth back. Now, remember that the lockdowns imposed, the national lockdowns imposed across the country due to the pandemic, have stifled growth and battered the Indian economy. He also mentioned that measures have been taken by the government to help the country not just in the short term, but create growth and demand in the long term. The Prime Minister further said that he had full trust in India's capabilities and crisis management. And he also said that there is now a global trust in India's capabilities, in fact, and India has now provided medical aid to different countries. The Prime Minister spoke about the economic recovery of the Indian continent, Indian country, which remains a priority for the Indian government, and he promised all support to India's small and medium businesses. He also mentioned that there is a huge focus on creating private. Enterprise and an ecosystem that enables it. And all reforms taken to that end have been planned, integrated, and futuristic. He further said that the world, as of now, is looking for a reliable partner, and he said that India does have the potential to be that partner.